हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वे चुके इस इंडिया टूरिस्ट। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सरकार की आखिरी लड़ाई के बारे में, जहां पर राजस्थान में सत्ता का संग्राम अभी आखिरी दौर में आ चुका है। जहां पर एक तरफा पायलट गुट ने बगावत करके रखी है, तो वही गहलोत यहां पर बाड़े बंदी में अपने विधायकों को कैद करके बैठे हैं। लेकिन इन सबके बीच में और इन हालातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी सिकंदर बन के बढ़ चुका और भारतीय जनता पार्टी ने बैक टू बैक बड़े दाव खेल दिए, जिसके चलते राजस्थान में गहलोत सरकार औंधे मुंह गिर चुकी है और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यानी कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने की कवायद देखने को मिल रही है। तो अभी हम आपको बताएंगे राजस्थान सरकार को लेकर आ रही इस सब बड़ी खबर के बारे में महाकवरेज के साथ में संपूर्ण जानकारी। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही में दिख रहे बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि आपको आगे भी आपके काम की और राजस्थान सरकार के हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले और साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम जानते हैं राजस्थान सरकार के सियासी संग्राम को लेकर आ रहे इस वक्त की सबसे खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो राजस्थान में पॉलिटिकल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर आखिरी दौर में बताई जा रही है राजस्थान की सियासी लड़ाई और इन सबके बीच में गुजरात से रवाना हो चुके हैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ ही गहलोत की दिल की धड़कने बढ़ा दी और पायलट की तरह बाजिया हुई कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की मुख्य और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शांत है, यानी कि यहां पर उनका साइलेंट लेना एक बहुत ही बड़ा खेल का हिस्सा बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ऐसे में दोस्तों गहलोत सरकार को बड़ा झटका लगने के आसार बताया जा रहा है और गहलोत सरकार को भारी नुकसान की संभावना भी बताई जा रही है। तो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले राज्य के 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुजरात से अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो चुके और राजस्थान में 14 अगस्त से शुरू होने वाले अहम विधानसभा क्षेत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी विधायकों का गुजरात दौरा चर्चा में था और विधायक शनिवार की शाम सोमनाथ से पोरबंदर पहुंचे थे और उनमें से एक ने आरोप लगाया था कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार विपक्ष विधायकों का उत्पीड़न कर रही और वे मानसिक शांति के लिए सोमनाथ आए थे। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत की सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि पायलट की दगाबाजी कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार को अभी भारी पड़ी और राष्ट्रपति शासन लगने की कवायद राजस्थान में शुरू हो चुकी और तैयारियां देखने को मिल रही है, जिसके चलते गहलोत सरकार को बड़ा झटका लगने का अनुमान बताया जा रहा है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए सुबह में किसी बड़ी घटना की आशंका जताई और बता दें कि गत 24 जुलाई को कांग्रेस विधायकों के राजभवन पर धरने के बाद पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने गया था और तब भी ये मांग नहीं की गई थी कि पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बयान जारी करके कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर कांग्रेस विधायक गुंडागर्दी पर उतर आए और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से यहां पर बड़ी घटना होने की आशंका है और सरकार बचाने के लिए गहलोत किसी भी हद तक जा सकते और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये बहुत ही बड़ी बात निकल के सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसी के साथ ही गहलोत सरकार की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बढ़ा दी और राजस्थान में गहलोत सरकार खतरे में आ चुकी और यहाँ पर राजस्थान में गहलोत सरकार का पूरी तरह से खेल बिगड़ चुका और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने नई चाल के साथ ही गहलोत सरकार को धराशायी करके रख दिया है।
और वहीं दोस्तों इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां तैनात की जाए। और अगस्त क्रांति दिवस पर जो है यहां पर अंग्रेज भारत छोड़ो की तर्ज पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर गहलोत कुर्सी छोड़ो अभियान चलाया था और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित सैकड़ों लोगों ने अपनी पोस्ट डालकर यहाँ पर विरोध किया था गहलोत सरकार का। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीन पूसिया ने अपने पोस्ट में कहा था कि यहाँ पर प्रदेश की जनता नहीं सहेगी अत्याचारी और अराजक भ्रष्ट सरकार। जैसे उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो नारा लगा था, वैसे ही 9 अगस्त 2020 का नारा है गहलोत कुर्सी छोड़ो। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के सियासी बवाल को लेकर और सियासी हंगामे को लेकर आज की ताजा और बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर राजस्थान में वसुंधरा राजे की चुप्पी पायलट और गहलोत को खटक रही हो। तो भाई गहलोत सरकार को बड़ा झटके के अंदेशा बताया जा रहा है, क्योंकि गहलोत सरकार के सामने भारतीय जनता पार्टी चुपचाप ही बड़े बड़े चाल खेल रही और बहुत ही बड़े जाल बिछा कर बैठी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी फंसने को तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी राजस्थान सरकार के सियासी हंगामे को लेकर और सियासी जंग को लेकर निकल के सामने आई थी। तो यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।